नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 1 का आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उसका बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है दोस्तों। ठीक है, सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 का दोस्तों आपका डेट घोषित कर दिया जाएगा, मतलब डेट आ गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा वो भी आ गया है और ग्रुप डी का भी दोस्तों डिटेल्स आ गया है। ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी का आप वेबसाइट पर जाइएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मैं बताऊंगा वीडियो में दोस्तों आगे। हमने कुछ दिन पहले एक डिजिटली पोस्टेड किया था, हाँ मतलब ट्विटर कैंपेन किया था, 70 से 80 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसका परिणाम आखिरकार हमारे सामने आ गया है दोस्तों। बात करते हैं कि इसका एग्जाम सीबीटी 1 का जो है दोस्तों, सीबीटी 1 एनटीपीसी का रिजल्ट का बारे में कब आएगा इसका रिजल्ट। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 का रिजल्ट का डेट फाइनल हो गया है, आप गुवाहाटी के वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, आरआरबी गुवाहाटी का। ये दोस्तों आपके आने वाला है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी, 15 जनवरी को दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा उसका भी दोस्तों घोषणा कर दिया गया है। देखिए, हमारा प्रेशर था, सरकार पर दबाव था, आप लोगों का भी ट्विटर कैंपेन में बहुत बड़ा सहयोग मिला, तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा दोस्तों। तो सीबीटी 2 दोस्तों आपका जो डेट दे दिया गया है अभी से 14 से लेकर दोस्तों 18, ठीक है, 14 से 18 फरवरी के बीच। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी चल रहा है दोस्तों दिसंबर माह के लिए, पूरा बाकी है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 2.5 महीने में दोस्तों आपको तैयारी करनी है सीबीटी 2 की दोस्तों। देखिए, रेलवे अचानक ऐसे ही करता है, क्या करता है दोस्तों, अचानक घोषणा कर देगा कि हम चलिए रिजल्ट देते हैं और एग्जाम चालू करते हैं, तो 2.5 महीने का समय है दोस्तों। ठीक है, आंसर की आ चुका है दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी मिला चुके होंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, कट ऑफ पर भी हमने दोस्तों वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा। अगर इतना मार्क्स है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों सीबीटी 2 की तैयारी। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का क्या दोस्तों, उसका बारे में कुछ बताइए। देखिए दोस्तों, हमारा कल दोस्तों फिर से रखा गया ट्विटर कैंपेन करने का, डिजिटल प्रोटेस्ट करने का दोस्तों, तो बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, सरकार पर फिर प्रेशर बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें केवल ये एनटीपीसी नहीं चाहिए, हमें रेलवे का पूरा कैलेंडर चाहिए कि बताओ भाई आरपीएफ वैकेंसी कब आएगी, इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी है वो बोलते वो कब आएगी, इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ का हो गया, इसके अलावा जेई की वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, एलपी वाला जिसको ड्राइवर बोलते वो वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, बताओ सारा कैलेंडर चाहिए एससी की तरह दोस्तों, तो सरकार पर प्रेशर बनाना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप डी का क्या होगा दोस्तों। देखिए, कल हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है, कल यानी 6 तारीख को दोस्तों। ठीक है, 6 दिसंबर को फिर से 11 बजे हम करेंगे पूरा, जैसे पिछली बार किए थे, तो आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। देखिए, सरकार पर दबाव बना तो गुवाहाटी बोर्ड ने डेट जारी कर दिया, किसका, सीबीटी 1 रिजल्ट का, एनटीपीसी का। आप लोग दिए होंगे दोस्तों, 15 जनवरी का आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और सीबीटी 2 दोस्तों कब स्टार्ट होगा, 14 से 18 फरवरी में, 4 दिन 5 दिन में कंडक्ट करवा दिया जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन में मात्र दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सरकार पर भी दबाव बनाना है ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग, भैया इसका भी कैलेंडर जारी करो, एग्जाम कब होगा। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, देखिए, क्योंकि दोस्तों देखिए इस साल तो होने वाला नहीं है, दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर तो ऐसे ही निकल जाएगा, जनवरी में भी नहीं होगा। ठीक है, फरवरी में, क्योंकि ये एग्जाम होने वाला है, इसके बाद ही हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम, यानी मार्च में मान के चल सकते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो सकता है अगर सरकार पर दबाव बनता है तो। नहीं तो अभी कोरोना का नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन, उसका बहाना भी सरकार दे सकती है, इलेक्शन तो ये लोग करवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम एक बहाना बना के दोस्तों ये नहीं करवाते, छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लगभग 3 साल होने को है दोस्तों, देख लीजिए क्या नतीजा निकल रहा है। तो हमें सरकार पर दबाव बनाना है, कोशिश करना है कि सरकार ऐसे ही प्रेशर में आए और दोस्तों डेट जल्दी से जल्दी कैलेंडर घोषित करे। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको सुबह सुबह अपडेट देना था कि एनटीपीसी सीबीटी जो है, सीबीटी 1 का एग्जाम मतलब रिजल्ट का डेट घोषित कर दिया गया है कि कब आएगा, और सीबीटी 2 का डेट भी दे दिया गया है, और ग्रुप डी का दोस्तों दबाव बनाकर हमें डेट निकालना है, लेकिन फरवरी के बाद मार्च में हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम हो। कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, इसी तरह फटाफट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एनटीपीसी का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि कितना है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, तो वो जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।